नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। अगर दोस्तों आप अपने MI स्मार्ट टीवी में से जियो टीवी एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हैं यानी कि अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जियो टीवी एप्लीकेशन को अपने MI स्मार्ट टीवी से किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इसी तरह MI स्मार्ट टीवी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर आए आप तक सही समय पर जो पहुंचती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड को और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम MI TV में हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं जिनको हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो देख सकते हैं, यहाँ पर जियो TV का एप्लीकेशन है जो शो नहीं करता होता है। इसको डिलीट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा टॉप में सेटिंग का जो लोगो आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में जो कि सबसे नीचे है और यहाँ पर हम जाएंगे आगे ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सी ऑल ऐप्स पर है जो क्लिक करेंगे और यहाँ पर है जो हमारे सभी ऐप्स आ जाते हैं और हमारा जो जियो एप्लीकेशन है वो भी यहीं पर है जो हमको मिल जाएगा। और जियो TV एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अगर आपने इसको फोर स्टॉप करना है तो फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल करना है तो इसके लिए हम अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके बटन पे है जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारा जियो TV एप्लीकेशन है जो परमानेंट डिलीट हो जाएगा यानी कि अनइंस्टॉल हमारे MI TV से हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो MI TV में से है जो हमारा जियो TV एप्लीकेशन अभी डिलीट हो चुका है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह MI TV से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।